तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसको कि आप और हम तो देखते ही हैं। और इसके एपिसोड देखने पर अब आपको पता चल गया होगा कि शो में एपिसोड की कितनी कमी है, यानी एपिसोड नहीं, ट्रैक की कितनी कमी है, कंटेंट की कितनी कमी है। इसीलिए इन्होंने पूरे 4 से 5 एपिसोड एक ब्रांड के प्रमोशन में लगा दिया। और जनता का यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ब्रांड का प्रमोशन ठीक है, हमें ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए और उसका एक तरीका होता है। सभी फिल्में और टीवी शोज भी ब्रांड को प्रमोट करती हैं, लेकिन वे एक सिस्टमेटिक वे से करती हैं। बट जो तारक मेहता वालों ने हरकत की है वो हज़म नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक ब्रांड को प्रमोट किया है वो तरीका सही नहीं है। 4 से 5 एपिसोड अगर आप ब्रांड को प्रमोट करने में लगा दोगे तो आप कॉन्टेंट पर कब ध्यान दोगे? ये ऐसा पहली बार नहीं है कि तारक मेहता वालों ने पूरी ट्रैक के दौरान एक ब्रांड का प्रमोशन किया हो। इससे पहले भी वो कई बार ब्रांड को प्रमोट कर चुके हैं पूरे ट्रैक के दौरान। एक्चुअली होता क्या है, ये लोग सरप्राइज का इल्यूजन क्रिएट करती हैं, और जब ये लोग सरप्राइज खोलती हैं तो उस सरप्राइज में निकलता है किसी न किसी ब्रांड को प्रमोट करने का आइडिया। तो यही तारक मेहता का नॉर्मल सी बात है। और बट ऐसा कब तक चलेगा? ऑडियंस पहले ही पोपट की शादी टूटी है तो निराश है, और ऑडियंस इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेक्ट कर रही थी तो इन्होंने इंटरेस्टिंग लाने के बजाय एक ब्रांड को प्रमोट किया। देखिए, ब्रांड को प्रमोट करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन एक इसका तरीका होता है। शायद अब जो ब्रांड का जो एडवर्टीजमेंट है वो अब लगभग खत्म हो चुका है, और अब ऑडियंस और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शो में कुछ खास देखने को मिले और जनता को निराशा ना मिले। तो आपको क्या लगता है कि तारक मेहता में अभी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आई या नहीं, और आप तारक मेहता को कितना पसंद करते हैं बताएं नीचे कॉमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही टेलीविजन और ट्रेंड से जुड़ी सारी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।